अच्छा नमस्कार। आशा करते हैं कि आप अपने घर पर परिवार सहित कुशल पूर्वक होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, जो भी गाइडलाइंस, जो भी निर्देश आपको आपके टीचर्स, डायरेक्टर या प्रिंसिपल सर के द्वारा दिए जा रहे हैं, आप उनका फॉलो करें ताकि आपका भविष्य उज्ज्वल हो सके और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। प्यारे बच्चों, बार बार आपको समझाना नहीं पड़े, इसलिए कम कहे हुए का ही आप ज़्यादा समझना। ये केवल हम आपके भविष्य के लिए ही कर रहे हैं, इसमें केवल और केवल आपका ही फायदा है। इसलिए सभी टीचर्स और डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो। इसी प्रयास में वो आपको बेटर से बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप अपने स्कूल स्टाफ, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर को अच्छी तरह से सपोर्ट करें और अपने भविष्य को उज्ज्वल करें, ऐसी मैं कामना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका भविष्य हमेशा उज्ज्वल रहे। प्यारे बच्चों, अभी तक जो लेसन में हमने आपको बताया था, पॉलिटिकल साइंस का जो लेसन चल रहा है, रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, इसके अंदर ये बता रहे थे अभी तक कि आज़ादी के बाद कौन सी पार्टी का प्रभुत्व रहा। उसमें आपने देखा कि लगातार जो 3 आम चुनाव हुए थे उनमें आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी का ही प्रभुत्व रहा था, लेकिन 80 के दशक के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसके कारण से कांग्रेस ने अपना जनाधार खो दिया और कांग्रेस पार्टी की हार हो गई थी। उसके बाद आज जो हम आपको चैप्टर जो आपको समझाने जा रहे हैं वो उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। इससे पहले हमने आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया था, जिसके अंदर कि कांग्रेस पार्टी का क्यों पतन हुआ। उसके बाद हमने आपको मंडल कमीशन रिपोर्ट के बारे में बताया था, आज भी हम आपको मंडल कमीशन के बारे में विस्तृत बताएंगे। उसके बाद साहबानों केस था, उनके बारे में आपको बताया और किस तरह से राजीव गांधी की मृत्यु हुई उसके बारे में भी आपको बताया। ये कुछ ऐसी घटनाएं थी जिसके कारण से भारतीय राजनीति में बहुत ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन हो चुका था और उस 80s के दशक के बाद अंत के अंदर भारत देश के अंदर भारतीय राजनीति के अंदर किस तरह के परिवर्तन आए, किस किस कौन कौन सी गवर्नमेंट बनी, उन गवर्नमेंट्स के बारे में हम आपको आज बता रहे हैं कि 1989 के बाद, जैसा कि आपको पता है कि जो दो एरा चला था, जो दौर चला था वो कोलिशन गवर्नमेंट का चला था, तो किस तरह से कौन कौन सी सरकारें उस समय बनी उन्हीं के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से सुने। ये पूरी की पूरी भारतीय राजनीति में जो परिवर्तन हुए थे वो केवल और केवल कारण रीजनल पार्टीज के कारण ऐसा हुआ था। जैसा कि आपको पता है कि 80s के दशक के अंदर बहुत ज्यादा दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग का से संबंधित आंदोलन चल रहे थे, जिनसे बहुत ही शक्तिशाली क्षेत्रीय राजनीति को जन्म हुआ था और इन्हीं रीजनल पार्टीज ने भारतीय राजनीति में बहुत ज्यादा परिवर्तन किए थे। उसके कारण से आप उन्हीं चीजों को आज हम आपको बता रहे हैं कि किस किस तरह से 1989 के बाद ये गवर्नमेंट बनी थी। तो सबसे पहले हम आपको इसमें बता रहे हैं कि जो पहली गवर्नमेंट के बारे में बता रहे हैं, आफ्टर द 1989 इलेक्शंस द नेशनल फ्रंट अंडर वीपी सिंह फॉर्म द गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ द लेफ्ट फ्रंट एंड द बीजेपी। आपको ध्यान रखिए, आफ्टर द 1989 इलेक्शन, 1989 के बाद जो इलेक्शन हुए थे उसके अंदर नेशनल फ्रंट अंडर वीपी सिंह के अंदर में जो हमारा राष्ट्रीय जो मोर्चा था उसने क्या किया, फॉर्म द गवर्नमेंट, उसने सरकार बनाई। 1989 के इलेक्शन के बाद वीपी सिंह के नेतृत्व में नेशनल फ्रंट ने किसके सपोर्ट से, विद द सपोर्ट ऑफ लेफ्ट फ्रंट एंड द बीजेपी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी और जो वाम दल थे, जो हमारे लेफ्ट फ्रंट थे, उनके सपोर्ट से वीपी सिंह ने नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनाई। द कांग्रेस अंडर राजीव गांधी वाज स्टिल द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा। इसमें आपको ध्यान देना है कि कांग्रेस पार्टी को उस समय लीड कर रहे थे राजीव गांधी, लोकसभा के अंदर वो अकेली एक ऐसी पार्टी थी जिसको वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, लेकिन बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट के सपोर्ट के कारण वीपी सिंह ने अपनी गवर्नमेंट बनाई।
दूसरा उसके बाद चंद्रशेखर ब्रोक द गवर्नमेंट, जो ये सरकार बनी थी वीपी सिंह की, उसके कारण से चंद्रशेखर को कुछ सपोर्ट मिल गया और उसने अपनी उस गवर्नमेंट को तोड़ दिया, उस गवर्नमेंट से अलग हो गए एंड गोट आउटसाइड सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस। किस कारण से हुआ? चंद्रशेखर को सपोर्ट किसने कर दिया उसके बाद? कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट कर दिया और चंद्रशेखर को, चंद्रशेखर के कारण जो गवर्नमेंट बनी थी अंडर वीपी सिंह वो टूट गई और चंद्रशेखर सरकार से अलग हो गए और उसको सपोर्ट किया कांग्रेस पार्टी ने एंड बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उसके बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने। सब्सिक्वेंटली कांग्रेस विड्रो सपोर्ट, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी ने चंद्रशेखर से भी अपना सपोर्ट वापस ले लिया और किसको सपोर्ट किया उसके आगे, कौन प्रधानमंत्री बनता है इसमें आप देखेंगे, सब्सिक्वेंटली कांग्रेस विड्रो सपोर्ट और कांग्रेस ने चंद्रशेखर से भी अपना सपोर्ट वापस ले लिया। तीसरी बात, पीवी नरसिम्हा राव बिकेम द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द कांग्रेस वॉन द मोर सीट। उसके बाद इलेक्शन होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं, पीवी नरसिम्हा राव द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कांग्रेस वॉन द मोर सीट इन 1991 इलेक्शन। पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में 1991 के अंदर, 1991 के अंदर इलेक्शंस होते हैं, उस समय तक राजीव गांधी की मृत्यु हो जाती है और पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं आफ्टर द कांग्रेस वॉन द मोर सीट्स इन 1991 इलेक्शन। 1991 के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी की जीत होती है और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बनते हैं बट रिक्वायर सपोर्ट ऑफ रीजनल पार्टी टू फॉर्म गवर्नमेंट। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार थी वो अल्पमत में थी और उसने जो सपोर्ट किया था, जो हमारी क्षेत्रीय पार्टियां थी उसके सपोर्ट से पीवी नरसिम्हा राव 1991 के अंदर, 1991 के अंदर देश के प्रधानमंत्री बने कांग्रेस पार्टी से। नेक्स्ट, 1991 के बाद 1996 के अंदर फिर इलेक्शन होते हैं। इन द 1996 इलेक्शन बीजेपी वन मोस्ट ऑफ द सीट्स। अब सबसे ज्यादा सीट किसने जीती 1996 के इलेक्शन में? बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने वो चुनाव जीता ऑफ द सीट्स एंड अटल बिहारी वाजपेयी फॉर्म द गवर्नमेंट। 1996 के अंदर जब इलेक्शन हुए तो उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती और अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, उसने अपनी सरकार बनाई बट कुड नॉट गेट सपोर्ट ऑफ रीजनल पार्टी। लेकिन वो जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उससे अपना सपोर्ट प्राप्त नहीं कर पाए टू फॉर्म मेजोरिटी एंड देयरफॉर रिजाइन। क्षेत्रीय पार्टियों से उसका सपोर्ट नहीं मिल पाया, इस कारण से 1996 के अंदर जो बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व के अंदर वो सरकार नहीं बनी पाई और उसने अपना इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट, यूनाइटेड फ्रंट अंडर देवगौड़ा फॉर्म द गो, उसके बाद क्या होता है? यूनाइटेड फ्रंट, यूनाइट जो हमारा यूनाइटेड फ्रंट था अंडर देवगौड़ा फॉर्म द गवर्नमेंट। देवगौड़ा के अंडर में सरकार बनाई गई विद द कांग्रेस सपोर्ट। किसके सपोर्ट में? कांग्रेस के सपोर्ट में। बट सब्सिक्वेंटली इंद्र कुमार गुजराल बिकेम प्राइम मिनिस्टर। कांग्रेस ने सपोर्ट किसको किया था? यूनाइटेड फ्रंट के जो देवगौड़ा थे उसने सरकार बनाई, लेकिन कांग्रेस ने इंद्र कुमार गुजराल को सपोर्ट देकर प्रधानमंत्री बना दिया। उसके बाद फिर इलेक्शन होते हैं। इन द 1998 इलेक्शन क्या होता है? बीजेपी गॉट द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स। 1998 इलेक्शन के अंदर बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त होती है एंड अटल बिहारी वाजपेयी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर और अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं बट कुड नॉट गेट मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा। लेकिन वो लोकसभा के अंदर अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए। इलेक्शंस वर हेल्ड अगेन इन 1999 के अंदर फिर दोबारा से इलेक्शन होते हैं एंड ए मेजोरिटी गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड अंडर अटल बिहारी वाजपेयी और अंडर अटल बिहारी वाजपेयी के अंडर में बहुमत वाली सरकार बनती है। अब ये बहुमत किसका था? जो एनडीए जिसको लीड कर रहा था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की गवर्नमेंट बनी थी, इसके अंदर 25 पॉलिटिकल पार्टी के सहयोग से अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सरकार बनाई थी। तो ये
इन द 1998 इलेक्शन बीजेपी गॉट द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स एंड अटल बिहारी वाजपेयी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर बट कुड नॉट गेट मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा। 1998 के अंदर जो इलेक्शंस हुए थे उसके अंदर सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी थी, लेकिन वो लोकसभा के अंदर अपना बहुमत साबित नहीं कर पाई। इस कारण से इलेक्शंस दोबारा से कराए गए 1999 के अंदर, एंड उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के अंडर में एक सरकार बनाई गई, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी और 25 पॉलिटिकल पार्टी के सहयोग से वो सरकार बनाई गई, जिसको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहा जाता है। ये गवर्नमेंट चली कब तक? 2004 के अंदर फिर दोबारा इलेक्शंस होते हैं, और फ्रॉम 2004 टू 2014 2004 से 2014 के बीच में एक दूसरा अलायंस अस्तित्व में आता है, वो है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सामने आता है, लीड बाय द कांग्रेस पार्टी। यूपीए का एक अलायंस बनता है, उस यूपीए के अलायंस को लीड कौन कर रही थी? कांग्रेस पार्टी। लेकिन 2004 के अंदर फिर दोबारा से नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शंस हार जाती है और यूपीए की गवर्नमेंट बनती है और उसको सपोर्ट कर रही है कांग्रेस पार्टी। तो 2004 से 2014 तक यूपीए की गवर्नमेंट बनी, और यूपीए की गवर्नमेंट 2014, लेकिन उसके बाद 2009 के इलेक्शन हुए उसमें भी कांग्रेस जीती, यूपीए जीती, और वो सरकार चली 2014 तक। 2014 के अंदर फिर दोबारा से इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, और उसके अंदर सबसे बड़ी जो पार्टी उभर कर आती है वो है भारतीय जनता पार्टी, लीड बाय एनडीए की गवर्नमेंट बनती है, लीड बाय द भारतीय जनता पार्टी। और 2014 से लगातार अभी तक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की गवर्नमेंट बनती आ रही है, जिसको लीड कर रहे हैं बीजेपी और उसके प्राइम मिनिस्टर बने श्री नरेंद्र मोदी जी। तो हमने ये देखा कि कहां से 1989 से लगातार हमने देखा है 2014 तक कि एक कोलिजन गवर्नमेंट का दौर चला है, मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया के अंदर लागू हुआ है, इसमें बहुत सी रीजनल पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई है। तो इससे लगता है कि भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, और वो परिवर्तन क्या था? 1991 से लेकर लगातार 2014 तक एक कोलिजन गवर्नमेंट का दौर चला आया है, उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे। ये तो पूरा 1989 के बाद किस तरह से भारतीय राजनीति में परिवर्तन हुए, कौन कौन से पार्टियों ने अपनी गवर्नमेंट बनाई, उसके बारे में था। अब हम इसके बारे में आगे आपको बताएंगे मंडल कमीशन के बारे में कि मंडल कमीशन क्या है। आगे हम आपको इसमें बता रहे हैं मंडल कमीशन के बारे में कि मंडल कमीशन है वो गवर्नमेंट ने क्यों बनाया, उसके चेयरपर्सन कौन थे, उसने कौन कौन से रिकमेंडेशंस दी, और ये जो मंडल कमीशन था इसने भारतीय राजनीति में क्या परिवर्तन किए। तो इस ये भारतीय राजनीति के अंदर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आया था मंडल कमीशन भी। तो हम इस मंडल कमीशन के बारे में आज आपको बता रहे हैं विस्तार से, उसको आप ध्यान से सुनिए। तो इसमें आप देखिए द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए कमीशन इन 1978। जो हमारी केंद्र सरकार थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसने 1978 के अंदर एक आयोग को अपॉइंट किया, एक कमीशन बनाया टू कंसीडर एंड रिकमेंडेड मींस टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। क्यों बनाया गया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमीशन अपॉइंट किया 1978 के अंदर। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जो मंडल कमीशन बना था वो 1978 में अपॉइंट किया गया था। और क्यों बनाया गया? कि हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे पिछड़े लोग थे, उनकी कंडीशन को, उनकी दशा को इंप्रूवमेंट करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमीशन अपॉइंट किया 1978 के अंदर। कंसीडर रिकमेंडेड मींस टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द बैकवर्ड, कि बैकवर्ड जो क्लास थी, बैकवर्ड जो सेक्शन था हमारे देश के अंदर, उनकी दशा, उनकी स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है, इसके लिए एक कमीशन अपॉइंट किया। इस कमीशन ने क्या करना था? देश के अंदर जितने भी हमारे बैकवर्ड सेक्शंस थे उनकी स्थिति कैसी है, उनकी पहचान करना, उन लोगों के कौन से ऐसे हमारे देश के अंदर ऐसा कौन सा वर्ग है जो बहुत ही सामाजिक और शैक्षिक या आर्थिक तौर पर जो पिछड़ा हुआ है, उसकी पहचान करने, और पहचान करके सरकार को ये बताना था कि उनकी स्थिति को, उनकी हालात को, उनकी दशा को कैसे सुधारा जा सकता है। इस कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1978 के अंदर एक कमीशन अपॉइंट किया था। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए कमीशन इन 1978 टू कंसिडर एंड रिकमेंड मीन्स टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द
बैकवर्ड क्लासेस, जो पिछड़ा क्लास है, जो पिछड़ा वर्ग है, उनके हालात को, उनकी दशा को कैसे सुधारा जा सकता है, उनकी पहचान करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमिश्नर अपॉइंट किया। दिस वाज द सेकंड टाइम सेंस इंडिपेंडेंस, ये दूसरी बार हुआ था आजादी के बाद, ये दूसरी बार हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमीशन को अपॉइंट किया था। तो दिस वाज द सेकंड टाइम सेंस इंडिपेंडेंस दैट द गवर्नमेंट हैड अपॉइंटेड सच कमीशन। ये आजादी के बाद ये दूसरा समय था जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमीशन को अपॉइंट किया था, एंड केम टू बी नोन एज द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। और इसका नाम क्या दिया गया, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग नाम दिया गया, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग इसका नाम दिया गया, एंड पॉपुलरली नोन एज द मंडल कमीशन। और इसको सभी लोग किसके नाम से जानते हैं, मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं। ये सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग है ये, और इसको इसको किस फेमस नाम से ये इसको जाना जाता है, मंडल कमीशन के नाम। क्यों जाना जाता है मंडल कमीशन के नाम से इसको, क्योंकि आफ्टर द नेम ऑफ चेयरपर्सन, इसका जो चेयरपर्सन था, इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था, वो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को बनाया गया था। सेकंड बैकवर्ड जो कमीशन था उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बनाए गए थे। बिंदेश्वरी का बी ले लिया, पी प्रसाद का पी ले लिया, तो इसको बीपी मंडल कमीशन बोला जाता है। इसी के नाम से सेकंड बैकवर्ड जो क्लासेस जो कमीशन था उसका नाम बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नाम पर पड़ा और उसको मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है। द मंडल कमीशन सेट अप टू कंसीडर द एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन एंड सोशल बैकवर्ड अमंग द वेरियस सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज के अंदर ये मंडल जो कमीशन बनाया गया था वो क्यों बनाया गया था, उसने ये देखना कि भारतीय समाज के अंदर ऐसा कौन सा वर्ग है जो बहुत ही सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़ा हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करना था और सरकार को ये रिकमेंडेशंस देनी थी कि उनकी हालात को, उनकी स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है। तो इट The extend education and social backward among various section of the Indian society and recommend ways. कुछ ऐसे रास्ते उसको सरकार को बताने थे, ऐसे तरकीब या ऐसे प्लान उसको बताने थे ताकि उनकी स्थिति को सुधारा जा सके। Recommend way to identify these backward classes. पहला तो काम उसका क्या था, देश के अंदर ऐसे लोगों की पहचान करना जो वास्तव में सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़े हुए, सबसे पहले तो उसकी पहचान करना और फिर ये बताना कि उनकी स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है, उनके अंदर इंप्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है। द कमीशन आल्सो हैड टू रिकमेंड मींस टू एंड द बैकवर्डनेस। जो सेकंड बैकवर्ड जो क्लासेस कमीशन था, मंडल कमीशन था, उसने सरकार को अपनी सिफारिशें भेजे कि किस तरह से उनकी बैकवर्डनेस को, जो पिछड़ापन है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। वो सिफारिशें मंडल कमीशन ने सरकार के सामने रखी। द कमीशन गेव इट्स रिकमेंडेशन इन 1980 के अंदर अपने जो रिकमेंडेशन थी, सिफारिशें थी, वो गवर्नमेंट के सामने मंडल कमीशन ने रखी। द कमीशन रिकमेंडेड रिजर्विंग 27% सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट जॉब। सबसे पहला जो रास्ता बताया मंडल कमीशन ने कि किस तरह से जो समाज के अंदर, इंडियन सोसाइटी के अंदर जो सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनकी स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है, उसकी कंडीशन के अंदर कैसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले उसने जो रिकमेंडेशन दी सरकार को क्या दी कि जितने भी ये सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी है, उसके अंदर उनको 27% रिजर्वेशन दिया जाए, कहां पर, शैक्षणिक संस्थाओं में, और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है उनके अंदर उनको 27% रिजर्वेशन दिया जाए, और इसके कारण से उनकी हालत जो स्थिति है वो सुधारी जा सके। ऐसे रिकमेंडेशन मंडल कमीशन ने गवर्नमेंट के सामने रखी कि 27% सीट रिजर्व की जाए सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए। उसके अलावा और भी रिकमेंडेशन मंडल कमीशन ने दी थी। द मंडल कमीशन आल्सो मेड मेनी अदर रिकमेंडेशन, और इन सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस की स्थिति को, कंडीशन को सुधारने के लिए मंडल कमीशन ने और दूसरी भी सिफारिश की थी। वो दूसरी सिफारिश के साथ साथ लैंड रिफॉर्म्स की, भूमि सुधार किया जाए ताकि इन बैकवर्ड एंड सोशली एंड बैकवर्ड जो
लोग है, बैकवर्ड जो लोग है उनकी स्थिति को सुधारा जा सकता है यदि भूमि सुधार के कार्यक्रम लागू किया जाए और उन लोगों को उनमें जॉब दिया जाए तो इनकी स्थिति को सुधारा जा सकता है। लेकिन इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट जैसे ही देश के सामने आई और वीपी सिंह गवर्नमेंट ने इनको लागू करने का काम किया तो पूरे देश के अंदर एक बहुत ज्यादा माहौल, ये बहुत ज्यादा हिंसा शुरू हो गई। लोगों ने इसको अपोज किया था और बीपी मंडल जो विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो सरकार बनी थी वो इसी के आधार पर बनी थी। उसने चुनाव के अंदर वादा किया था कि मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है मैं उसको यदि मेरी सरकार बनी, मेरी गवर्नमेंट बनती, मेरी पार्टी जीतती है तो मैं मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशंस है उनको लागू करूंगा। और इसी मुद्दे पर बीपी सिंह ने अपनी गवर्नमेंट बनाई और उन्होंने पहला काम ही यही किया अपनी सरकार के अंदर, जैसे ही उसकी गवर्नमेंट बनी 27% जो सोशल एंड बैकवर्ड जो क्लासेस है उनके लिए 27% सीटें रिजर्व कर दी गई। इसका बहुत ज्यादा देश के अंदर बहुत ज्यादा विरोध हुआ था और इस तरह से भारतीय राजनीति में मंडल कमीशन ने भी बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन किया था। तो इसके बारे में आज हमने आपको बताया, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपको आगे दे रहे हैं। थैंक यू।